हमारी मिठाई पैक हो रही है। साथ ही चल आगे गमला आ गया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और दिन की शुरुआत हुई है दिन के 1 बजे, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया ना, नाइट शिफ्ट होती है तो सुबह सोए थे। खैर, आज तो जल्दी उठ गए 1 बजे, क्योंकि जाना है अपने को दीदी के घर, अपनी बड़ी वाली दीदी के घर, मतलब मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर इन लॉ है उनके घर जाना है। तो जल्दी जाना है तो जल्दी आ पाएंगे, क्योंकि फिर 6 बजे से ऑफिस भी स्टार्ट होता है और निर्मला को भी आना होता है, तो इसलिए तो अभी उठ गए हैं और जा रहे हैं नहाने, रेडी होने। मम्मी भी रेडी हो रही है, उसके बाद आपसे मिलते हैं और शायद चाय वगैरह पियेंगे, बस निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी जाना है और वहाँ से फिर जल्दी वापस भी आना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। निर्मला खाना बना रही है। निर्मला हेलो कर लो। हेलो। ये रोटी बन रही है, ये सब्जी बनी हुई है, ये खाना मम्मी का लगा है, पर मम्मी खाने नहीं आ रही। मम्मी पहले खाने चलो, हेलो कर लो, चलो खाना खाओ। आ रही है, आ चुके हैं ये मम्मी। अभी हम लोग चाय पीने के लिए बैठे हैं, बस चाय पी के रेडी होने जाएंगे। मम्मी ने खाना ना खा लिया, मम्मी भी एकदम तैयार है रेडी होने जाने के लिए, और मैं भी बस ये अपनी चाय, इसके बाद जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो तैयार हो गए हैं जाने के लिए। और ये देखिए, ये मेरा गेटअप है। मैंने ये ब्लैक टेक्स्टी, ये ट्राउज़र, वाइट शूज़ और ये ब्लू कार्डिगन डाल लिया था, क्योंकि थोड़ी ठंड हो जाती है शाम को। तो अभी रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं दीदी के घर। मम्मी एकदम रेडी है, कैब आने वाली है, कैब आते ही हम लोग निकल जाएंगे। कैब में बैठे हैं और निकल रहे हैं हम लोग। थोड़ी देर में अभी पहुँचेंगे। आ गए हम लोग स्वीट्स लेने के लिए, यहीं से लेंगे हम अपनी मिठाई। जा रहे हैं अंदर मिठाई लेकर के। मिठाइयाँ हैं यहाँ पर, हम इनमें से 6 लेंगे, क्योंकि दीदी को वही पसंद है। 6 पर है कैसा ये नहीं पता, किसको कहते होंगे इसमें से, चलिए देखते हैं। ये हमारी मिठाई पैक हो रही है, थैंक यू। इसी अपनी मिठाई ले ली है और हम निकल रहे हैं यहाँ से, और बाहर अपनी कैब वेट कर रही है, तो बस चलेंगे। गाइस, ये हम लोग पहुँच गए हैं दीदी के घर, जा रहे हैं अंदर अब। ये देखो, हम पहुँच गए हैं सावंत्स पे। अरे ये शीरो ने हम लोग को पहचान लिया है, वो भौंकने लग गया है। दीदी की आवाज़ भी आ गई। मम्मी गेट बंद करने में ही है, आ जाओ। ये एंट्री हुई है प्लांट्स के साथ, सुंदर सुंदर। ये दीदी को भी प्लांट्स का बहुत शौक है गाइस। ये कौन खड़ा है भैया, वेट कर रहा है, कौन है ये? ये शीरो है, ये रहा हुडी बॉय। हुडी बॉय, हुडी बॉय कितना क्यूट लग रहा है। ये कृष्ण दीदी, दीदी प्रणाम। ये देखो पीहू, कृष्ण खुश रहो बेटा, खुश रहो, खूब बड़े हो जाओ। ये मेरे पीहा, ये हुडी बॉय आ गया। हुडी बॉय, ओए, ये जंपिंग जैक बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है गाइस, ये ओवर एक्साइटेड हो रहा है। ये तुम इतने क्यूट क्यों लग रहे हो हुडी पहन के, बताओ पहले। शीरो, शीरो तुम इतने क्यूट क्यों लग रहे हो हुडी पहन के, ये बताओ। इतना क्यूट कौन लगता है? शेक हैंड, शेक हैंड, शीरो शेक हैंड, शीरो शेक हैंड, शीरो शेक हैंड, शेक हैंड। आ, मेरा बेबी शेक हैंड करता है, गुड बॉय, ये बिल्कुल गुड बॉय। शीरो प्लीज़ एक बार फिर से शेक हैंड कर दो। शीरो, शीरो, शीरो नहीं, गंदी बात, नो 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 नो। शीरो इधर देखो, शेक हैंड कर दो। आई, ये बच्चा कितना प्यारा है भैया, शेक हैंड करता है, बला बलचे, बला बलचे। हाँ, ये दीदी का घर है। मुझे ना दीदी घर में सबसे मस्त किचन लगता है,
आप लोग भी देखिए। नहीं अस्त नहीं दीदी, ऐसा अच्छा हो रखा है। ये तो स्टोर रूम है, ये डाइनिंग एरिया, और वो शीरो का कॉर्नर है, ये शीरो का कॉर्नर है। जितनी बार हेलो करो उतनी बार हेलो कर लेता है, और अभी ऐसे पड़ा है बहुत प्यार से। ये जो है ना, ये कोई नॉर्मल लड्डू नहीं है, ये ठग्गू के लड्डू हैं। इसको अगर आपने खाया तो आपको कोई भी ठग लेगा। तो आप इसको थोड़ा सा खाइएगा, ताकि थोड़ा सा ही आप ठगे जाएं, ज़्यादा नहीं। ये मम्मी पूरा खाएंगी लेकिन, क्योंकि मम्मी को मैं आसानी से ठग सकती हूँ। ठग्गू के लड्डू खाएंगे। हाँ ठग्गू के लड्डू, मैं तो पानी लूँगी। मम्मी ठग्गू का लड्डू पूरा खाएगी, क्योंकि मम्मी ने मुझसे कहा है कि दीपिका मुझे ठगो। ऐसे हम लोग का नाश्ता एकदम लजीज था, और मम्मी सोच रही है कि कब खाना शुरू करेंगे, कब खाना शुरू करेंगे। पर वही है कि हम अभी नहीं, मम्मी की पूरी नज़र ठग्गू के लड्डू पर है, क्योंकि मम्मी चाहती है कि मैं उन्हें ठग दूँ। बस फाइनली मम्मी को मौका लगा, उन्होंने डब्बा खोल लिया। मैं नहीं खाती ढोकला। अरे खा ले, खा ले। अरे तुझे डाल। जलेबी नहीं है, बट वो ना हम पहाड़ियों में गाना आता है ना, कांच तेरो जलेबी को डब, क्या ओही मां जग। बस वो वाला गाना आता है। वैसे आ गई अपनी चाय, और यहाँ पे बहुत सारे आइटम थे। ओहो ढोकला कहाँ गया, मम्मी ने पूरा ढोकला खा लिया। ढोकला ये है देख, ढोकला इसमें आ गया। ये देखिए इमरती, ठग्गू के लड्डू भी मुझे कुछ कम ही दिख रहे हैं। ये अपनी मट्टी बिस्किट, ये तो सब ढोकला खा के, ये दो प्लेट है मम्मी की है। ये दीदी, ये पीहू। और तेरी प्लेट कहाँ गई? मैंने खाया ही नहीं, मैं खाने तक आपने खा लिया, ये मम्मी ने सब खा लिया गाइज। हेलो फ्रेंड्स, चाय वाय पीने के बाद, बातें करने के बाद हम जा रहे हैं ऊपर प्लांट्स वगैरह देखने। दीदी के ऊपर दीदी ने बहुत प्यारा सा गार्डन सेट किया है। ये हमारे साथ हमारा शीरो इधर हीरो भी जा रहा है। आ जाओ ये देखिए दोस्तों, वाह क्या बढ़िया सा। ये तुलसी जी क्या फ्लावर है, जाइंट सा, मतलब इसका साइज ऐसे अभी इसमें आपको छोटा दिखेगा लेकिन ये बहुत बड़ा है। नीम पत्ती, ये मनी प्लांट बहुत ही अच्छे से लगाया हुआ है। ये देखिए बाकी, तो ये ऐसे भी लगा रखे हैं दीदी ने यहाँ पे ऐसे करके। मैं दिखाऊँ आपको, ये जेड प्लांट है, मस्त लग रहा है फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये शिरो क्या कर रहा है? शिरो प्रणाम कर रहा है मेरे को, प्रणाम कर रहा है, कह रहा है मम्मी प्रणाम है शिरो। मम्मी मम्मी मधु बालक तेरे पिलर के पीछे खड़े होकर पोज के दे रही थी। ये देखिए गाइस, ये मम्मी इस पेड़ का क्या नाम है जो ऊपर तक गया है? ये हाँ, इस पेड़ का नाम है अपराजिता। ये देखिए कितना सही लग रहा है, मतलब ये कितना सुंदर लग रहा है गाइस। ये देखिए कैसे ऊपर से ऐसे किया हुआ है, बहुत मस्त लग रहा है। हम लोग और ऊपर जा रहे हैं, सबसे ऊपर वाली छत पे। ये मैं मम्मी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलते हुए, मम्मी आराम आराम से आएंगी और मैं। वाह ये वाकई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लांट्स दीदी ने लगा रखे हैं यहाँ पे, मज़ा ही आ गया। ये गाइस वही वाले प्लांट्स हैं जो मेरे घर पे भी हैं वाइट कलर के, ये भी हुए नहीं है, हो जाएंगे धीरे धीरे। द वेरी ब्यूटीफुल बोगनविलिया, मतलब कि इतना प्यारा फ्लावर है, क्या ही बोलना है इसका, तो कुछ कह ही नहीं सकते, मस्त लग रहा है। और ये देखिए, ये मैंने वहाँ पे भी आपको दिखाया था ना, मेरे घर पे भी जो लगा हुआ है, लेके आपको दिखा सकती हूँ। What a bliss, भाई साहब क्या सुंदर लग रहा है। ये बहुत कलर्स के, बहुत ही कलरफुल, मतलब मज़ा ही आ गया भाई साहब, मज़ा ही आ गया, वर्थ इट है। प्लांट्स ना
बर्थडे मतलब ये देखिए आप बस यहाँ से ये नज़ारा देखिएगा इस कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब यार मज़ा ही आ गया। अपना शाम का वक्त, ये व्यू है दीदी के घर से, मज़ा ही आ गया। आप देखिए कितना मतलब कितना अच्छा लग रहा है, एक नंबर लग रहा है बिल्कुल। ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मज़ा ही आ गया। मम्मी मम्मी अच्छा लग रहा है ना ये वाला एरिया। एक प्लांट है, एक फ्लावर है, बबन बोलिया, मम्मी ने उसका नाम दिया बबन बोलिया। मम्मी क्या है? बबन बोलिया। बबन बोलिया, ओके। कोई नहीं, ये नया प्लांट है बबन बोलिया। हाँ मतलब इसके भी इतने अच्छे अच्छे कलर से, ऑरेंज पिंक, लाइट पिंक, नॉर्मल पिंक, वाइट, क्रीम कलर, मतलब बहुत सारे कलर्स हैं। सुंदर लग रहा है ये पूरा एरिया, मतलब मज़ा ही आ गया है ना मम्मी। नहीं दीदी के घर से कुछ नज़ारा और दीदी का एक गार्डन जो कि इन्होंने छत पे ही टेरेस पे ही प्रॉपर बनाया हुआ है, मज़ा आ गया। बस मिट्टी मिट्टी पे नहीं किया है, गमलों पे ही लगाया, लेकिन एक लगाने का भी एक तरीका होता है ना गाइस, तो बहुत अच्छे से लगा हुआ है। और यहाँ पर मुझे एक स्केटबोर्ड में, ये मुझे चलाना तो नहीं आता, मैं ट्राई करने की सोचती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। गिरे तो भैया अरे रुको, पीछे आप थोड़ा सा जाओ तो मैं पूरा पास घटा के संग संग साथ ही चल आगे गमला आ गया। गाइस रात हो गई है, हम निकल रहे हैं क्योंकि देर हो गई है, अपनी कैब आ चुकी है, जा रहे हैं। वो रही आगे कैब खड़ी है, बस जा रहे हैं। मम्मी आ जाओ, बाय बाय कृषु, ये कृष द हीरो, इसको ले ही ज्यादा हीरो। अरे कृषु स्कूटर अंदर करना, चाबी दे दो। अब मैं चलो नीचे, मैं तो फेंकती हूं ऊपर से। वो क्या कैब खड़ी है, हम लोग जा रहे हैं उधर ही से चलते हैं। ठीक है फिर आना दीपिका, फिर आना। हां दीदी आप भी, हां बाय बाय दादी, बाय बेटा, बाय आगे। हां चलो निकल रहे हैं घर को। हेलो फ्रेंड्स, तो घर आ गए, आके चेंज कर लिया था, टाइम नहीं मिल पाया था रिकॉर्ड करने का क्योंकि ऑफिस का टाइम हो रहा था, ऑलरेडी लेट हो चुके थे, मतलब आधा घंटा इधर उधर हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा यार पहले जल्दी से चेंज करते हैं, और लैपटॉप में बैटरी भी मेरी डाउन हो गई थी ऑलमोस्ट, तो फिर उसको चार्ज वगैरह करने के लिए लगा दिया था। और उसके बाद अपना चेंज वेंज किया, काम लेकर बैठ गए, और मम्मी गई हैं वॉक पे, और ये हैं, हेलो कर लो योरी, और बूजो बचाने गया हुआ है, ये भी पिटेगा, ये भी पिटेगा, ये भी पिटेगा, ये बचाने आया है कि चप्पल खाने आया है? बूजो पागल, बूजो घूम घूमर 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 घूम। ये लो भैया, ये लो बूजो को भी तो देखो, सर्कुलर बूजो। फाइनली हमारी कॉफी बन गई, मेड बाय कॉफी मास्टर। अब वो बूजो वहां पर पता नहीं क्या कर रहा है, मम्मी का स्कार्फ खींचने की कोशिश। मेरी कॉफी, इसको हम चिप्स के साथ खाएंगे जो अभी। ओहो हो, माय 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 कॉफी। ये अभी ब्लिंकिट से चिप्स मंगाया था, इसके साथ ही खाएंगे, इसलिए मंगाया था डिग्गू। तो बस अभी थोड़ा सा खाना वगैरह खाएंगे, और डिग्गू बूजो को बाहर वॉक पे लेके जाएंगे, बस व्लॉग एंड करेंगे क्योंकि रात में काम करना है अपना ऑफिस का। और कल ये व्लॉग अपलोड हो जाएगा,
तो आप जो है ज़रूर देखिएगा इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं व्लॉग एंड कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कि अभी मुझे रिकॉर्ड करने का, अगर होगा तो ज़रूर दिखाएंगे, एल्स यहीं पे इसको रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्डिंग को एंड करेंगे, व्लॉग एंड करेंगे। कल व्लॉग ये वाला अपलोड हो जाएगा, ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। अगले दिन मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ।